अरे अरे अरे, कौन सा मिला इसमें? यहाँ पे ठंडा पानी है ना, पक्का बचने की उम्मीद है। तेरे फेस देख क्या एक्टिव हो गए। तो गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं सुबह सुबह, और ये बाल्टी खाली कर रहा है, और क्यों कहाँ जा रहा है वो सब आपको बताएंगे। तो पहले यहाँ पे पानी भर लो, इसको साफ कर लो। तो इसी हम लोग जो टैंक से पानी भर रहे हैं। तो गाइस ये टैंक हम कर रहे हैं खाली, और क्योंकि ये जा रहा है अपने गांव, और वहां पर ये कोई पॉन्ड बना के रखा है जहां पे हम जाकर अभी इन फिश को छोड़ देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आपको दिखाऊंगा ये क्या करने वाले हैं। तो ये पकड़ रहा है, एंड ये दूसरा, तो कुछ प्लांट्स भी लेके जा रहा है ये। तो गाइस फिश इसने ले लिया है, दो कोई फिश यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे इसने प्लांट्स भी ले लिया है। एंड अब हम चलेंगे इसके गांव, और इसके गांव में जाकर इसका जो सेटअप है वो करेंगे और देखेंगे, और बहुत कुछ घूमेंगे भी और फिश भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिए। गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग गांव में, और कहाँ गया ये बार बार छुप जाता है। और क्या तुमने तैयार किया दिखाओ, ये तुम्हारा क्या है? एक मिनट, बहुत अच्छा हुआ इसने यहाँ पे एक्लिमेट करने के लिए रखा था। अरे तेरे फिश देख क्या एक्टिव हो गए। इसने यहाँ पे एक्लिमेट करने रखा था, और पूरा जो है ये पलट गया, एंड फिश नीचे चले गए। अरे बहुत एक्टिव लग रहे थे अभी, देखना सामने से। यहाँ पे क्या रखने वाला है तूने? बिल्कुल सिंपल रखा है, पानी बढ़िया है। यहाँ पे तो एक काम कर सकता है, तो यहाँ पे ड्रिफ्ट रख सकता है, एंड ऊपर काफ़ी फ्लोटिंग प्लांट्स रख सकता है। बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है ये, ठीक है। एंड नीचे ड्रिफ्ट उठ, क्योंकि तेरे सामने ही रिवर है, एंड तुम्हारे यहाँ पे पानी अगर भी गर्म होता है ना, तो यहाँ से तो तुम पानी ले ही सकते हो। मतलब ट्यूब वेल है, और प्लस यहाँ से तुम मोटर से पानी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। पानी तो गर्म नहीं होगा, क्योंकि तू क्या करने वाला है इसमें, ढक के रखने वाला है। और सेटअप अच्छे से कर, दिखा तो उसको पकड़ के देख, बढ़िया एक्टिव है। जो भी है, इसका ये प्लान सक्सेस हुआ। तब से बोल रहा था कि फिश चाहिए, फिश चाहिए, अभी लेकर आया, और अभी बैठ के सेटअप करते रहे। तो ये इनका जो है बगान है। यहाँ पे क्या है? अरे ये पान है ना, है कि नहीं? खा सकते इसको, सुपारी वगैरह कैसे तो खाते हैं, वही है ना ये। ऐसा क्यों है? आई थिंक बड़ा होता है उसके बाद खाते हैं। तो गाइस ये आप देख रहे हो, ये पूरा एक बड़ा पॉन्ड है, हाँ, और यहाँ पे बस इतना से पानी बचा है, ये पूरा फुल होता है। और यहाँ पे इस तरीके से एक बाउंड्री दे दिया था कि फिश ना निकल पाए, लेकिन हमने देखा दूर पे एक मछली मर रही है, उसको बचाना है हमें कैसे भी। चलते हैं, चल। और यहाँ का जो मालिक है वो अभी है नहीं, तो ये इनिशिएटिव हम लोग ले रहे हैं और ट्राई करते हैं उस फिश को बचाने की। इसलिए मर रही है क्योंकि गर्मी बहुत है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो जिंदा पक्का बच सकती है। देख देख इसका हालत देख, इसको उठा ले, एटलीस्ट अपने पॉन्ड पे रखते हैं ना, बच जाएगी। जल्दी जल्दी भाग, जल्दी भाग। और नहीं है क्या वहाँ पे? जा तू पहले रख के आ जा, मैं आ रहा हूँ। हमने वो फिश को उठाया यहाँ से, अंकल ने दिखाया कि सारे फिश मर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है धूप बढ़ गई है और पानी कम है ना, इसलिए जल्दी भाग। तो उसको मैंने बोला कि जा और अपने पॉन्ड पे रख, अगर बचा तो बचा। वो भागा, बच गया तो अच्छी बात है, नहीं बच पाए तो फिर पता नहीं क्या हुआ। इसको थोड़ा, हाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन इसको, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके। यहाँ पे ठंडा पानी है ना, पक्का बचने की उम्मीद है। मैंने जैसे उस दिन दिखाया था ना वैसा, इसको थोड़ा सांस लेने दे। हाँ हाँ, इस तरह से हिलाते रहे, हिलाते रहे, बच जाएगा तो यार सक्सेसफुल हो जाएगा, एटलीस्ट हम लोग इस तरीके से बचा तो पाएंगे ना। इसके गेल्स के सामने इसको हिला ना, मैं वही बोला उसने जैसे दिखा था, हाँ ऐसा। और ये खाना वाना नहीं मिला रहेगा इसको, रे ये भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीक लग रही है ना। ओके, हमें इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देना है, क्योंकि पर इसका हालत भी देख यार, मतलब बिल्कुल हेल्थ इश्यू भी होगा इसको, देख
काफी टाइम से शायद सफर कर रहे होगी। ठीक है, कोशिश करते हैं। कंटिन्यूसली 5 मिनट सीपीआर देने के बाद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट नज़र आया है, पता नहीं बट फिर भी डाउट तो है। अभी हम इसको ढक देंगे ताकि जो है धूप डायरेक्टली ना पड़े, और थोड़ी देर के बाद आकर देखते हैं। और अभी है लंच टाइम, और देख पा रहे यम्मी लंच बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे है एग करी जो कि लोकल एग का करी है, एंड यहाँ पे कुछ नींबू, इनके पेड़ का नींबू है। यहाँ पे कुछ यूनिक एक डिश दिख रहा है, और यहाँ पे दाल है, कुछ फ्राइज वगैरह है यहाँ पे जो काफ़ी डिलीशियस है। और ये पूरा लंच ऑसम लंच था, ट्रस्ट मी गाइस। खाना वाना खा के थोड़ा टहल रहा था, और ये मुझे बुला रहा है कुछ तो इसने किया। मैंने क्या नया चीज बनाया, क्या किया तुमने? वाह, ये क्या बनाया तूने? मतलब जब ये प्लांट ज्यादा हो जाएगा तब ये ओपन रहेगा, जा नहीं पाएगा, तब इस इधर ही खाना देंगे हम। अच्छा, और नीचे ये क्या है? ओ अच्छा, वो प्लांट से लगा दे नीचे, अच्छा लग रहा है। किस में लगा है? रिवर्स एंड है ना वो। गाइस एक ही सैड न्यूज़ है, इसको हम बचा नहीं पाए, बहुत कोशिश किया। क्या दिखा, एकदम सांस नहीं ले रही क्या अभी? ठीक है, हमने कोशिश तो बहुत किया। गाइस घूमते घूमते थोड़ा गांव घूम रहे थे, और हम लोग को थोड़ा सा एक फार्म मिला है, पोल्ट्री फार्म। उसके अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो काफ़ी सारे मुर्गियाँ हैं यहाँ पे, लेट्स सी। बाप रे, तो गाइस ये जो मुर्गी आप देख रहे हो ये 1.5 kg के हैं 28 days में। तो मैं सुन के ही शॉक हो गया, क्योंकि इतने कम दिनों में ऐसा ग्रोथ, एंड प्लस अभी ये 5-6 दिनों में जो है इनको फैक्ट्री में बेच देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस चलता है। अच्छा लग रहा है। और भी है यहाँ पे, कितने हैं पीछे में भी है क्या? कौन तो जिज्ञास करो क्या, और यहाँ पे कितने हैं? हाँ। पूछो क्या। ये है दूसरा दिन गाइस। तो गाय से दूध निकालना देखना जरूर बनता है। तो आंटी लेकर आई है, देखते हैं। अभी इसको पानी दिया गया है। अरे की जॉल दिखाओ, क्या कर रहे हो? अरे अरे, फिर से कर। मुझे भी ट्राई करना है, डर लगता है। कहाँ निकल रहा है ठीक से? ओह वाह, कैसे निकलता है अच्छे से? तो उसको पहले खिलाना पड़ता था। तो अभी पहले हम बच्चे को दूध पिला रहे हैं, देखो उसके बाद निकालेंगे दूध। तो गाइस आज day 2 है, और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? फिशिंग करने के लिए। और इसके पास काफी सारी चीजें हैं, फिशरी में है, और इसमें कुछ कुछ है इसके अंदर। और ये दिखाओ ये क्या है, और ये थोड़ा ठीक करा फिशिंग रॉड को, दिखाता हूँ मैं इसमें क्या क्या है, मुझे दिखाना एक मिनट। ये क्या है रे? बाप रे, ये देखो। अच्छा ये वाला क्या, क्यों इसमें तो ऑलरेडी है ना ये? हाँ। ये इसके साथ आया था ना, 100 meters। और ये हुक्स, ओके। गाइस जा रहे फिशरी में, तो इसलिए आटे से आराम से काम चल जाएगा। और इसमें थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है पाउडर, जो कि है हमारा ड्राइड श्रिम्प्स का पाउडर यहाँ पे। तो जो ड्राइड श्रिम्प का पाउडर है ना, उससे एकदम बहुत मस्त वाला जो फ्रेग्रेंस आ रहा है इंटेंस, जिससे पक्का फिश फंस जाएंगे। और इसमें आटा है, हाँ ये वीट है, तो इतना ही लेके जाएंगे। और फिशरी में बहुत फिश है, लेट्स सी कौन सा फिश हमें मिलता है। तेरा नहीं हुआ क्या? क्या हुआ है? अच्छा इसने कुछ गलत वलत बांध दिया था। अच्छा इसने कुछ गलत सलत बांध दिया था शायद, क्या कर रहा है? तो गाइस ये तैयार है, और इसका जो हुक है आप देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे डबल हुक है, एक बड़ा है और एक ट्रिपल टाइप का, पता नहीं क्या है। तो ये हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, हम लोग वीट और श्रिम्स पाउडर का जो मिक्सचर बना है वो यूज़ करके फिश पकड़ेंगे। गाइस निकल चुके हैं, और हम लोगों ने सब कुछ सेट कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं फिशरी पे। तो गाइस पहुँच चुके हैं, मैं आपको दिखाने वाला अभी फिशरी। पानी है यहाँ पे, और यहाँ मछली पकड़ना है हम लोग को। जो फिशरी है ये है, देख रहे हो यहाँ पे काफ़ी फिश है गाइस। मैं कोशिश करूँगा, ठीक है, बहुत फिश है, बहुत फिश है। तो इसने यहाँ पे लगाया है, दिखा इतना बड़ा बड़ा से हो जाएगा, मतलब वो पहले खाएंगे। दोनों तरफ लगाया ना, दोनों तरफ लगाया ना, ओके। तो ठीक है गाइस, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। किधर है?
क्या मिला था क्या? हाँ। तो स्लोली स्लो हाँ अरे अरे कौन सा मिला इसमें? ओ ये तो वो वाला फिश है, दिखा 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 दिखा। हाँ ये एक्चुअली मैंने दिया था, तो ये क्या तो बोलते हैं इसको, तेलापिया जापानी, अबे बहुत एक्टिव है इसको, इसको निकाल तो निकाल, दिखा 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 दिखा। वाह बे, इसको हर्ट नहीं हुआ है क्या? मैं हुआ है। साइज देखना और क्वालिटी देखना बे, क्या जबरदस्त है। तो इसमें ये सब फिश ही है क्या पूरा? पर हाथ से हाथ में उठा के दिखाओ ना हमारे व्यूअर्स को। बाप रे क्या एक्टिव है देख। ओ, कलर कलर बढ़िया है ना। ओ वाह, चलो 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 फिर से करते हैं। अभी हम लोग को आए हुए 5 मिनट हुआ, एक तो मिला। चल तो गाइस हम लोग आए और मज़ा आ रहा है सच में। मतलब एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे मिलेगा फिश, क्योंकि फिशरी है तो इसलिए मिल रहा है, और यहाँ पे लोग पालते भी है ना मछली, तो देखते भी क्या क्या फिश है यहाँ पे, और वैरायटी ऑफ फिश मिलने से ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोग को दिखा पाऊँगा मैं। तो यहाँ पे क्या क्या रो मछली है क्या? कहाँ गया कहाँ गया, छूट तो नहीं गया? पूरा इसे कौन से पे लगा है मुझे वो दिखाना, एकदम सामने से दिखाना मुझे, ये दिखाना है किस पे लगा है ये, कौन सा है? अच्छा इस थर्ड वाले पे नहीं लगा है ना, लेकिन इस पे लगा है। बाप रे स्लोली निकाल इसको, हर्ट मत कर। क्या करने वाला है तू, रखने वाला है क्या ये? ओ डैम बे कैसे फंसता है, दिखा दिखा सामने से, इतना एक्टिव है। बाप रे बाप बे क्या तो है, हाँ कसम सही है यार। एंड इधर गाइस पूरा नींबू की खेती है क्या? हाँ अरे दिखाया क्यों नहीं फिर यार, क्या किससे? कौन सा है सिम? ओ ये तो पूरा सिकलेट लग रहा है रे भाई, इसको मैं लेके जा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं मतलब मरेगा तो नहीं? कितना मिल गया? ये और ये अलग अलग है क्या या सेम है? ये दोनों सेम है, कलर भी ना। अगर मैं इसको लेके जाए एक्वेरियम पे रखूँ तो का? अच्छा है वो तो, पकड़ पाऊंगा मैं ना। माँ कसम भी तो पूरा सिकलेट लग रहा है देख, बाप रे। तो गाइस अगर सच बोलूँ तो मैंने एक भी फिश नहीं पकड़ा है, सब इसने पकड़ा हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बिजी था और देख रहा था, मैं एक एक शॉट्स लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन यहाँ पे ले नहीं पाते। लेकिन अभी हम लोगों ने कितने फिश पकड़ा वो दिखाता हूँ, इसको यहाँ रख दूँ। तो गाइस 3 फिश आपने शायद देखा है राइट, या 2 देखा है आपने क्लियरली कि हम लोगों ने जो पकड़ा, जैसे कि ये है और ये, बाकी 3 इसने पकड़े हैं। और मैं थोड़ा सा उधर नींबू की खेती पे वीडियो कर रहा था, पानी इतना गंदा है, पता नहीं ये मरेंगे तो नहीं ना, लेकिन मतलब कि ये फिशिंग रॉड से पकड़ा इसलिए मरते नहीं है ना, मुझे ये देखना है ये जो है ना। अरे भाई पर इनको हर्ट तो हुआ रहेगा, ओ जंप कर रही थी देखा, बाप रे। और देखो गाइस ऐसा 4 मिला हम लोग को, तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं छोटे वाले लेके जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि एकदम सिकलेट्स जैसे लग रहे देखो, और ये स्ट्राइप्स देख क्या तो है। वाह यहाँ पे ऐसे मछली, मुझे ना वो भी चाहिए था दूसरे वाले फिश, लेकिन मिले नहीं ना वो। चलते हैं इनको लेकर, और इसको हर्ट हुआ है बट चल चल पानी चेंज करते जाकर जल्दी से। तो गाइस फाइनली सक्सेसफुल हुआ, कितना टाइम हमने स्पेंड किया, 1 घंटा ना? आधा घंटा में फिशरी, हाँ इसलिए मिला, अगर रिवर वेयर होता तो शायद 2-3 घंटे में भी नहीं मिलता सही में, बहुत डिफिकल्ट होता पूरा दिन में भी नहीं। अभी जाके आप लोग को दिखाते हैं, और इसको तू कोई पॉन्ड में छोड़ दे, मतलब तेरे से कोई कार पॉन्ड है। ओह फाइनली घर पहुँचा है, कहाँ डाल रहे हो? छोटे वाले मैं लेके जाने वाला हूँ, पहले दिखाओ ये, इसको देखो ना, और ये तेरा टैंक अभी देख, इसमें पूरा ग्रीन वाला ग्रीन पानी जम रहा है क्योंकि ये एल्गी है, और तेरे कोई फिश तो काफ़ी एक्टिव है, डाल तो इसमें, ये रहेगा यहाँ पे, इसको ना थोड़ा अभी रेस्ट करने दे, मतलब आराम, मतलब इसका ना आई थिंक हील होना पड़ेगा थोड़ा, इसको तूने ये किया ना हमने, क्योंकि इसको हमने पकड़ा ही इस तरीके से, जो भी है यहाँ पे तो आराम से रह लेगा। गाइस मैं ये 3 फिश लेके जा रहा हूँ, ये मुझे फोर्स कर रहा है कि लेके जाओ, पर इतने दूर लेके जाना पड़ेगा, लेट्स सी अगर लेके गया तो लेके गया, फिर मैं आप लोग को अपडेट दूंगा।
और इनको मैं शायद मॉन्स्टर टैंक पे भी छोड़ सकता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं और इसने देखो यहाँ पे कुछ और यहाँ पे वाटर लेटर्स लाके इसने रख दिया है। तो हम आएंगे वन वीक के बाद और देखेंगे, अभी इनके मम्मी पापा को जो है इंस्ट्रक्शन देके गए हैं कि किस तरीके से इसको टेक केयर करना है। तो काफ़ी बढ़िया लगा यहाँ पे गाइस, और हम लोग बेचारे घर और ये भी इसने सेट कर लिया है, बहुत अच्छा सा सिंपल सा छोटा सा बढ़िया सा सेट किया है, इसके लिए हम यहाँ पे आए थे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।